व्यूवर्स, वेलकम टू इजी कुकिंग विद फरहत। आज मैं आप लोगों के लिए जो डिश लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और यमी डिश है और सबकी फेवरेट और बहुत फ़ायदेमंद। यह है बीफ का पालक गोश्त। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लें। सबसे पहले तो हमें ये बीफ है मेरे पास हाफ के जी, यानी कि गाय का गोश्त। पालक है, ये मैं बिल्कुल अलग स्टाइल से बना रही हूँ, शायद आप लोग ये फर्स्ट टाइम देखें स्टेप बाई स्टेप। ये पालक तकरीबन मैंने ली थी 1.5 किलो, इसको मैंने कटिंग किया और फिर इसको मैंने इसी के पानी में बॉईल कर लिया, उसके अलावा बॉईल करके रख लिया। इसके अलावा ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास है नमक, हल्दी, लाल पीसी मिर्च, पिसा हुआ गर्म मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हैं 4 से 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर जिनका मैंने छिलका उतार कर क्यूब्स में काट लिया। ये 3 से 4 दरमियानी साइज़ की प्याज़ें जिन्हें मैंने स्लाइसेस काट लिया और हस्बे ज़रूरत ऑयल। जब मैं कुकिंग शुरू करूँगी तो मैं इनके सारे क्वांटिटी आपको मेंशन कर दूँगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिश। चलिए अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया, अब इसमें मैं ऑयल डालती हूँ। ऑयल आपको मैं बताती हूँ मैं कितना डालूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये डिश वाले चम्मच मैंने ऑयल डाले 8 चम्मच। ऑयल देखें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसलिए ज़्यादा लिया है कि थोड़ा सा हमारे यहाँ जो है वो रोगन वाला खाना। अब ये जो 3 से 4 दरमियानी साइज़ की प्याज थी जो मैंने ली थी बारी बारी काट दिया था, उसको मैंने डाल दिया है। अब मैं इस प्याज को फ्राई करूँगी, यहाँ तक फ्राई करूँगी कि इसका रंग जो है वो गोल्डन है। 8 से 10 मिनट हो गए मुझे प्याज फ्राई करते हुए। तो ये प्याज जब रेड, तकरीबन रेड गोल्डन हो जाती है ना, उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे टोमेटोज जो हमने काट रखे थे 4 से 5 मिनट। हम टमाटर को डाल कर भी इसको अच्छी तरीके से उसे फ्राई करेंगे। अब कम से कम इसको फ्राई होने में 5 मिनट लगेंगे। अच्छा, एक इंग्रेडिएंट जो मैंने छुपाया था आपसे अब बता रही हूँ इस स्टेज पे, इसलिए कि अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको ऐसी टिप बताऊँगी जिससे आपकी डिश बहुत अच्छी बनेगी। मैं अक्सर सालन भूनते हुआ, कोई सभी जो भुना हुआ सालन होता है, भुना हुआ सालन भूनते हुए इस स्टेज पर 2 से 3 अदद हरी मिर्चें डाल देती हूँ। अब ये हरी मिर्चें डालेंगे तो आपके सालन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इस स्टेज पर ये हमारे टमाटर भून रहे हैं, मैं आँच थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर दूँगी। जितनी देर में हमारे ये टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होते हैं तो हम वापस आते हैं। ये देखिए टमाटर डालने के बाद हमने तकरीबन इसको 2-3 मिनट ढक के पकाया तो थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसकी क्वांटिटी आपको बताती हूँ, 1 से 2, ये 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और फिर हम थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको चलाएंगे। 1 मिनट लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर तकरीबन हम इसको ऐसे चलाएँगे ताकि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर अपने गोश्त जो हमने 1/2 किलो लिया था बीफ का वो ऐड करेंगे। ये हड्डी वाला गोश्त है बीफ का। अच्छा, मैं साथ साथ आपको ये भी बताती चाहूँ कि मैं जो हूँ कुकिंग ज़्यादातर कुकर में करती हूँ बीफ की। तो अगर आप लोग भी कुकर में करते हैं तो ये सब चीज़ें आप कुकर में भी बना सकते हैं। और मैं भी अब इसको जा पाते हैं, टाइम मेरे पास भी कम है तो मैं इन सब चीज़ों को कन्वर्ट कर दूँगी कुकर में ताकि मैं जल्दी से आपको वीडियो दिखा सकूं। और 15 मिनट के अंदर ये कुकर में पूरा तैयार हो जाएगा। लेकिन क्योंकि कुकर थोड़ा डेप्थ में होता है तो मैं आपको इसलिए इसमें पका कर दिखाना चाहूँगी। और ये हमने गोश्त डाल के भी अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब हम इसमें बाकी के सारे इन्ग्रीडियंट ऐड करेंगे। वन टीस्पून भर के मैंने नमक डाल दिया, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हल्दी और 1 और ये 2 टी तकरीबन
टू टीस्पून के करीब लाल किसी मिर्च। अच्छा, लाल किसी मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये डाल के हमने तोड़ कर भूनना। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून के करीब तक मैंने ये डाल दिया, और ये थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गर्म मसाला। ये डालकर हम अपनी डिश को अच्छे से भूनेंगे। एक और बात बताऊं कि पहले हम लोग पालक गोजो बनाते थे, ज़्यादातर लोग भी, मुझे नहीं पता, मैं भी पहले पालक गोजो बनाती थी, तो इस स्टेज पर मैं पालक भी डालकर और उसका प्रेशर लगा दिया करती थी। गोश्त, पालक गोश्त बहुत मज़े का बनता था, लेकिन पालक गोश्त की शक्ल थोड़ी ब्लैकिश की टोन पे चली जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आगाही आती गई, पढ़ते गए कि सब्जियों को इतना पकाना चाहिए कि उनका ओरिजिनल कलर बरकरार रहे, तो फिर मैंने क्यों सोचा कि क्यों ना मैं पालक को अलग बॉयल करूं, और जब पूरा मेरा सालन कुक हो जाए या बीफ मेरा गल जाए तो उसके बाद फिर मैं उस बॉयल पालक को उसमें मिलाऊँ, तो इस तरह मेरा पालक का कलर भी अच्छा आएगा और गोश्त भी। तो मैंने इस तरह बनाना शुरू किया। आप यकीन करें इतना यमी पालक गोश्त बनाए कि सब खाते रह गए। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के ये डिशेस, और मैं आपको इससे भी यमी यमी आगे डिशेस बना के दिखाऊँगी। इस स्टेज पर भूनने के बाद अब मैं इस पर पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 से 3 कप पानी ऐड करके अब मैं इसको ढक के रख दूँगा। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो आप इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी डालकर पकने के लिए दें, जब तक कि गोश्त ना गल जाए। और अगर आप कुकर में बनाएं तो 2 कप पानी डालकर इसमें आप प्रेशर लगा दें। अब ये देखें शक्ल, इसका रंग थोड़ा सा देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है। अब हम इसमें तकरीबन ये मैंने इसमें 1 कप बड़ा वाला और ये दूसरा वाला कप, ये मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब इसको मैं ढक्कन ढककर पकाऊंगी। आप लोग चाहे तो पतीली में भी पका सकते हैं, मैं अभी इसको इस स्टेज पे कुकर में कन्वर्ट कर दूंगी और फिर 15 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। अब ये देखें कि 15 से 20 मिनट के बाद ही हमारा गोश्त गल गया और इस पोजीशन पे है कि इसमें थोड़ा सा ग्रेवी भी मौजूद है। इस स्टेज पे वो पालक जो हमने 1.5 किलो के करीब थी, इसको हमने चॉप धोया, चॉप किया और फिर इसी के पानी में बॉईल किया। अब हम ये इस स्टेज पे इस पर ऐड कर देंगे पूरी पालक। अब हम इसको इस मसाले में मिक्स करेंगे और कम से कम इसको 5 मिनट, हाँ इसको हम 5 मिनट तक इसको भूनेंगे। 5 मिनट को के बाद भूनते हुए हम देखेंगे इस पोजीशन में इसको। अब देखिए कि मेरे पास ये थोड़ा सा आटा है, इस पोजीशन में थोड़ा सा ये आटा करूँगी ताकि जो थोड़ा सा पालक का पानी है ना वो इसमें जज्ब हो जाए, और इस आटे डालने से इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सौंधापन आएगा। ये टिप आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। आज थोड़ी सी तेज़ करके हम इसमें, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आटा और डालना पड़ेगा, तो मज़ीद 1 मिनट और चलाएंगे ताकि पालक और जो मैंने थोड़ा सा इसमें आटा डाला है वो थोड़ा सा अच्छे से भुन जाए। बिल्कुल बस अब ये पालक गोश्त हमारा तैयारी पे है। 1 से 2 मिनट थोड़ा सा हम इसको इस तरह चलाएंगे कि हल्का सा ऑयल साइडों से आने लगे, और आखिर में हम इसमें ये कुछ साबुत हरी मिर्चें और डाल के चलाएँगे, और जो हमारा थोड़ा सा ये गर्म मसाला रह गया था आप देखेंगे कि हाथ से हल्का सा ड्रिजल कर लेंगे। देखिए इस मैंने पालक गोश्त को डिश आउट कर दिया, देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है और टेस्ट में भी यम्मी है। अब जो इसमें मैंने मिर्च मसाले डाले थे, अगर आप उसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत फ़ायदेमंद, बहुत यम्मी बना है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट रेसिपी तक।
अल्लाह हाफिज़।